अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने गार्डनिंग चैनल पे। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और उसके सीड्स शो करने जा रहे हैं वो है कोलियस। कोलियस मिक्स के ये सीड्स हैं, पैकेट मेरे हाथ में, रेमबो मिक्सचर इसकी वैरायटी का नाम है कोलियस की। और देखते हैं पैकेट खोल के इसमें कितने सीड्स हैं और आप देख लें। नॉर्मली मेरी वीडियोस में ये होता है कि मैं पॉटिंग मिक्स डिफरेंट किस्म के यूज़ कर रहा होता हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि मुझे ट्रेज में चीज़ें कैरी करने में आसानी होती है, लेकिन सीड की सोइंग के लिए, सीड ग्रो करने के लिए कोई ख़ास चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये देख लें, ये पैकेट से सीड्स निकालें, इसमें कितने सीड्स हैं, अराउंड 30-40 सीड्स मेरे हाथ में इस पैड थे जो मैंने इस पॉट में डाल दिया। बचे हुए जो कुछ हैं वो दूसरे पार्ट में डालूंगा। अच्छा, ग्रो करने के लिए यहाँ पे मैं बिल्कुल, आप देख सकते हैं मेरे सामने पॉट में प्लेन भल मिट्टी है, यानी कि सादा बालू मिट्टी जो नर्सरी से मिलती है, रिवर सैंड होती है ये, हमारे यहाँ इस तरह की रिवर सैंड मिलती है पंजाब में, क्रेश होती है। तो सीड को सो करने के लिए, ग्रो करने के लिए कोई ख़ास मिट्टी की ज़रूरत हमें नहीं होती, सीड तो स्प्राउट हो जाते हैं ईजीली। अच्छा, बस आफ्टर केयर ये होती है कि जब वो स्प्राउट हो जाए उनको प्रॉपरली पानी मिलता रहे और सीड्स किसी भी मीडिया में सो हों उनका मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए। अगर मॉइस्चर 5% से बिलो किया तो फिर लाइकली चांस है कि वो सीड डेड हो जाएंगे, या बहुत ज़्यादा डाल दिया तो वो गल जाएंगे, रॉट हो जाएंगे। अच्छा जी, ये देख लें टॉप सॉइल पर मैंने ये हाथ से कोकोपीट ऊपर से कवर कर रहा हूँ। इसका बेनिफिट ये है कि ये मॉइस्चर को ज़्यादा देर तक रिटेन कर सकता है, इसकी सॉइल के मुकाबले में रिटेंशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ये भी मॉइस्चर ना हो तो सादा सी मिट्टी जिसमें इसे कवर किया हुआ उससे हम कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा एडिशनल आज मैं एक तजर्बा ये करने जा रहा हूँ कि मैं इनको पॉलीटनल में डालूँगा, DIY स्टाइल का मेरा पॉलीटनल होगा, ठीक है जी। तो 7 दिन के बाद ये इस तरह मैंने एक शॉपर में इन दोनों को रख दिया था, पॉट्स को एक ही बारी बॉटम अप वाटरिंग करवा के एक बकेट में पॉट्स को रख के साइड से पानी में रख दिया। 15 से 20 मिनट एक पॉट को लगे कम्प्लीटली सोकअप होने में थोड़ा, और फिर उसके बाद मैंने इस बैग में रख के इसको ब्राइट लाइट एरिया में रख दिया। ये रिज़ल्ट आपके सामने, इसको दोबारा बिल्कुल भी पानी नहीं दिया गया और स्टिल असम रिज़ल्ट है इसमें। और ये देख लें आप सबके सामने कि मॉइस्चर मेंटेन है। और इनसे मैं इनको बाहर नहीं निकालूंगा, थोड़ा सा मैंने ओपन करके यहीं रख दिया, एक आध दिन बाद मैं इनको दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा। तो काफ़ी सारे जर्मिनेट हो गए,